हेलो एवरीवन, पूनम सुक्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। और आज मैं आप लोगों के साथ क्रिसमस स्पेशल प्लम केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने बिना एग, बटर, रिफाइंड ऑयल और अवन के बनाया है। आप इस केक को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप देख सकते हो केक एकदम रूई की तरह सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा फूला है। तो आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी सीज़न चेंज होने की वजह से मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलिए क्रिसमस स्पेशल एगलेस प्लम केक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ प्लम केक फ्रूट मिक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप फ्रिज में एक महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में सबसे पहले मैंने आधा कप लिया है चीनी, और चीनी को ना इस तरह से पैन में फैला देंगे और अपने फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और चीनी को ना इसी तरह से छोड़ देंगे। ठीक है, धीरे धीरे इस तरह से मेल्ट होने लगेगा तो हम इसे एक बार बीच में मिक्स कर देंगे। ऐसे मिक्स करने से चीनी जो है अच्छे से इवनली मेल्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है और हमारा कैरेमल बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से ना चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो आप अपने गैस के फ्लेम को बंद कर लीजिएगा और ना इस कैरेमल में से आधे कैरेमल को हम एक बटर पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। आधे को ही निकालना है, पूरे को नहीं निकालना है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आधे को निकाल लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लेट में घी लगा कर भी ये सेम प्रोसेस कर सकते हैं। इसे मैं अच्छे से सूखने के लिए रख दूंगी और तब तक जो अपना बचा हुआ कैरमल है उसके पास चलते हैं। तो इसे वापस से हमें लो फ्लेम पर चढ़ा देना है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें एक चौथाई कप पानी लेंगे और थोड़े थोड़े कर कर डाल देंगे, मतलब बैचेस में डालना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरमल किस तरह से हो गया, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे ये कैरमल खुद ही पानी के साथ डिजोल्व हो जाएगा, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये आप देखिए, अपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा इस प्रोसेस को करने के दौरान, वरना अगर कैरमल ज़्यादा कुक हो जाएगा तो फिर इसका टेस्ट कड़वा आएगा। अब मैंने यहाँ पर ये मिक्स फ्रूट जैम लिया है और इस कैरमल में हम ये 2 चम्मच जैम डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। और अब इस जैम को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आप इसे स्पैचुला से इस तरह से क्रश करते जाइएगा, जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैम एकदम अच्छे से कैरेमल में मिक्स हो गया है। तो इस टाइम पे मैंने अपने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसमें मैंने डाला है कुछ नट्स। यहाँ पर मैंने कैश्यूज लिया है, आलमंड्स लिया है, वॉलनट्स लिया है, थोड़े से यहाँ पर मैंने किशमिश को भी लिया है। इसी के साथ ब्लैक रेजन्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्रिसमस केक में, इसे भी डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने खजूर लिया है, टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, तीनों कलर्स के टूटी फ्रूटी मैंने डाला है, रेड, येलो और ग्रीन। और इसी के साथ बारीक कटा हुआ चेरीज भी यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और लो फ्लेम पर हम लिड को लगा देंगे और 2 मिनट तक सभी नट्स को अच्छे से कुक करेंगे, जिससे क्या होगा, नट्स एकदम अच्छे से कैरेमल का मिक्सचर था उसको अब्जॉर्ब कर सकेंगे और अपने फ्लेवर को अच्छे से केक में रिलीज कर पाएंगे। तो 2 मिनट तक बस लिड लगा के मैंने कुक किया है और इसके बाद अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी नट्स ने अच्छे से कैरेमल और जैम के मिक्सचर को अब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल भी लिक्विड इसमें नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ पर फ्रूट मिक्स का मिक्सचर तैयार हो गया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। इसी तरह से ढककर छोड़ दीजिएगा और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में निकालकर 1 महीने तक फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। हमारा प्लम केक फ्रूट मिक्स बिल्कुल तैयार है। और इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे प्लम केक प्रीमिक्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे भी आप आराम से 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद है ना, हमने जो कैरमल बटर पेपर के ऊपर निकाल के रखा था उसको इस तरह से निकालेंगे धीरे धीरे। और यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस कैरमल को एल्यूमिनियम फॉइल या फिर आप इसे प्लेट पर घी लगाकर ड्राई होने के लिए रखिएगा, बटर पेपर का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने कैरमल को लिया और तोड़ लिया है इस तरह से। और अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें मैं 1 कप डाल दूंगी मैदा। मैदा की जगह पर आप आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप चीनी, और हमने आधा कप चीनी ऑलरेडी पहले भी यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर 1/4 कप चीनी ही ऐड करेंगे।
इसके बाद आधा कप डालेंगे मिल्क पाउडर, इसे डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें डालेंगे 3 इलायची और 5 लौंग, इसी तरह से डाल देंगे, ये अच्छे से पिस जाएगा। और इसके साथ डालेंगे 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर है ये। और इसके बाद ये जो हमने कैरेमल बना के रखा हुआ है ये भी डाल देंगे, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये एकदम फाइन हो जाना चाहिए, तब तक आप इसे अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा, ये आप देख सकते हैं। और मैं इसमें बेकिंग पाउडर और सोडा डालना भूल गई थी, तो अभी डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा यूज़ किया है, और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस से, तो क्या होगा, सब एकदम अच्छे से फाइन पाउडर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रीमिक्स रेडी हो गया है और ये आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी श्योरिटी के लिए हम एक बार इसे अच्छे से छान लेंगे, और प्रीमिक्स को छानना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा, जो भी मिक्सचर है इसका वॉल्यूम एकदम अच्छे से बढ़ता भी है, और साथ ही अगर कोई गांठ होगा इलायची या फिर लौंग का, वो भी निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर इलायची और लौंग का पाउडर बचा हुआ है, इसे आप चाय में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रीमिक्स भी रेडी है, और आप इस प्रीमिक्स को स्टोर करके रख सकते हैं। आप इस प्रीमिक्स को फ्रिज में 6 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा प्लम केक प्रीमिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। आप एक बार इस प्रीमिक्स को बनाकर रख लीजिए, और फिर प्लम केक प्रीमिक्स और फ्रूट मिक्स को मिलाकर आप आराम से केक बना सकते हैं। तो इससे आपका प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और तुरंत ही हमारा केक बन जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह का बड़ा पतीला लिया है, नीचे पे स्टैंड रख देंगे और ऊपर से लिड लगा देंगे। 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे प्रीहीट होने देंगे। आप चाहे तो कढ़ाई को भी प्रीहीट करके केक को बना सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 ऑरेंज लिया है, और आज मैं फ्रेश ऑरेंज जूस को निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे बीच से कट कर लिया है, और एक छन्नी के ऊपर रखकर इस तरह से इसका जूस निकाल लेंगे। और अगर आप फ्रेश ऑरेंज जूस का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर किसी भी रेडीमेड ब्रांड का भी ऑरेंज जूस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 2 ऑरेंज से जूस निकाला है। ये जो रेसिड्यू इसका बच गया है, इसका आप सीड निकालकर फेस पैक में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल मैंने 1/2 कप ऑरेंज जूस निकाला है, और इसके बाद इसमें हम 2 कप प्लम केक प्रीमिक्स ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने टोटल 2 कप प्रीमिक्स ही बनाया था, जिसे मैंने यूज़ किया है। और जिस पैन में हमने प्लम केक फ्रूट मिक्स बनाया था, उसी में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उस पानी को निकाल लिया है और बैटर में डाल दिया है। ज़्यादा नहीं, 1/2 कप पानी ऐड किया है, और इसे अब हम मिक्स करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो और बाद में पानी को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो मैंने इसी तरह से बैटर बना दिया है। जब बैटर एकदम लम्प फ्री और स्मूथ हो जाएगा, तो हम इसमें अपने फ्रूट मिक्स को भी डाल देंगे, और इस तरह से धीरे धीरे इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखा आपने कितना फटाफट से एकदम बैटर बन गया, और आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। और हमारा बैटर एकदम परफेक्ट हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से केक टिन को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं केक टिन में थोड़ा सा बैटर को ही लगा दूंगी, और इसी के ऊपर से बटर पेपर को स्टिक कर दूंगी। और आप चाहे तो आप यहाँ पर केक टिन को पहले से ही ऑयल से ग्रीसिंग करके बटर पेपर लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर ऑयल से ग्रीसिंग करके मैदा से भी डस्ट करके केक को बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए बैटर को डाल देंगे, और इसे ना थोड़ा सा टैप करके हम इसे नट से ऊपर में डेकोरेट कर लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। और इसके बाद प्री हीटेड बर्तन में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, लिड को लगा देंगे, और केक को बनने में 50-60 मिनट्स का वक्त लग जाता है। और यहाँ पर आप देखिए, जब केक फूल रहा था तो नट्स अंदर चले गए थे, तो मैंने क्या किया था, इसे 1/2 घंटे के बाद ओपन किया था। याद रखिए, 1/2 घंटे से पहले ओपन नहीं करना है, 1/2 घंटे के बाद ओपन किया था, और फिर इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था, ठीक है। और फिर से मैंने लिड लगाकर केक को इसी तरह से बेक होने दिया था। अगर आपका नट्स अंदर जाता है तो ये प्रोसेस कीजिएगा, और अगर अंदर नहीं जाता है तब ये प्रोसेस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टोटल केक को 50 मिनट तक बेक किया था। इसके बाद मैंने एक बार टूथपिक डालकर चेक किया केक को, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बैटर यहाँ पर हल्का सा लगा हुआ है। तो हम इसे और 5 मिनट तक बेक करेंगे लो फ्लेम पर ही, और लिड को लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल 5 मिनट के बाद मैंने इसे वापस से ओपन किया है, और इसे एक बार चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा टूथपिक एकदम क्लीन निकला है। तो अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और केक टिन को बाहर निकाल कर कपड़े से इस तरह से 2 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे, ताकि केक अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब केक ठंडा हो जाएगा, तो हम इसे साइड से नाइफ से इस तरह से लूज़ कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं।
एक प्लेट को रखकर टर्न कर देंगे और इसे थोड़ा सा टैप करेंगे और बहुत इजीली हमारा केक निकल जाएगा। बटर पेपर को हम रिमूव कर देंगे और आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छा बना है, एकदम सॉफ्ट है। और मैं आपको केक को वेट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये अप्रॉक्स 900 ग्राम का बना है। अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो आप इस केक का प्राइस 1000 से 1100 के बीच रख सकते हैं। प्राइस आपके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। केक को कट कर लिया है मैंने, आप देख सकते हैं केक अंदर से बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। हर एक जगह आपको इसमें नट्स दिख रहे हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, एकदम कॉटन की तरह दिख रहा है ना, एकदम रुई जैसा सॉफ्ट। तो देखा ना आपने, बिना रिफाइंड ऑयल, बटर, एग या अवन के हमने कितना अच्छा केक बनाया है। साथ ही हमने केक में अल्कोहल का भी यूज़ नहीं किया है। तो आप भी इस प्लम केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस क्रिसमस में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो मेरे ईमेल आईडी पर अपने पिक्स को शेयर भी कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू।